अपनी नेक्स्ट फिल्म में किसको हीरो लेंगे? हुमायूं, फाहद, मुहिब? मैं तो तीनों को लेना चाहता हूँ। यार ये क्या सियासत है? मैं आपको बड़े एक सीरियस रोल में देखना चाहता हूँ। अरे भाईजान आज तो बस माइक ड्रॉप है भाई, तो इसी बात में उठ के हाथ मिला लूं। अरे भाई आज माइक ड्रॉप हो गया। अगर आप फिल्म बनाए तो इनमें से किस एक्टर से छुप के फिल्म बनाएंगे? ऑप्शन है मोहिब मिर्जा, इमरान अशरफ या उर्वा? इमरान अशरफ। नॉक 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 नॉक, आर यू रेडी? द नॉक नॉक शो। और यहां पर हम आपके साथ एक सेगमेंट करेंगे, तेज आग। मालिक लोग ने बताया है कि हम एक सेगमेंट करने जा रहे हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। हमने सिर्फ इतना किया है कि उसका तर्जुमा कर दिया, उसका नाम रख दिया तेज आग। इसको कहते हैं रैपिड फायर। तो हमारा पहला सवाल आप दोनों से बारी बारी, इनमें से सबसे अच्छा फिल्म राइटर कौन है? वासे चौधरी, खलील रहमान या सैयद नूर? वासे चौधरी एंड खलील रहमान कमर, एक नाम। एंड मैं सैयद नूर साहब का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले राइटर। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ खलील साहब का। जी, मैं शूट कर रहा था, पीछे से एक आवाज़ आई मुझे, चम। नहीं नहीं, ऐसे आवाज नहीं। चम। हाँ, ये पलट के देखा तो खलील साहब के दो फिल्में लिख रहा हूँ, एक तुम्हारे लिए, एक नदीम बेग के लिए। इनमें से सबसे अच्छा फिल्म राइटर कौन है? वासे चौधरी, खलील रहमान कमर या सैयद नूर? No answer is an answer. मुझे तीनों के साथ काम करना है। तीनों के साथ काम करना? नहीं, मतलब अभी मैंने किया नहीं, ना वासे के साथ ना खलील साहब के साथ। खलील साहब के साथ मैंने सबके तुम्हारे किया। माशाल्लाह, रैपिड फायर का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है। ये सवाल में मसला है। हमारा भी हेटो सवाल है। सर, इनमें से आपके ख्याल में सबसे मुश्किल राइटर कौन है? वासे चौधरी, खलील रहमान कमर साहब, सैयद नूर साहब? सैयद नूर साहब के साथ काम नहीं किया तो खलील रहमान कमर साहब। मुश्किल राइटर इन अ वे, कोई उनकी बुराई नहीं है, लेकिन उनका एक अपना प्रोसेस है जिसपे वो बहुत यू नो स्टिक करते हैं, और उसको अंडरस्टैंड करके उनके साथ काम। बहुत खूबसूरती से मैनेज करते हैं, बहुत खूबसूरती से मैनेज। अगला सवाल तेज आग का, अपनी नेक्स्ट फिल्म में किसको हीरो लेंगे? हुमायूं, फाहद, मुहिब? मैं तो तीनों को लेना चाहता हूँ। यार ये क्या सियासत है? देखो, हुमायूं तो है ना अगली फिल्म में, वो तो परमानेंट फीचर है। आई एम सीरियसली थिंकिंग दैट इफ आई मेक एन एक्शन फिल्म, I would definitely cast you there. मुझे लगता है अल्लाह की कसम ये सवाल मैंने नहीं लिखवाया। लेकिन मैं जरूर अल्लाह का बड़ा कर रहा हूं। सर, अगर एक्शन फिल्म बनानी है तो हम दोनों पे भी नजर डालें। उसको कॉमेडी एक्शन कहते हैं। यार हम सीरियस एक्शन भी कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट फिल्म में किसको हीरो लेंगे? हुमायूं, फहद, मुहिब? अब नाम ही ऐसे बताएं कि मतलब सारे नाम और काम भी ठीक है। फंस गया। चले, मैं तो कास्ट हो गया। यही मकसद है। मैं तो कास्ट हूं। मतलब वो कितनी फिल्में करेंगे हुमायूं? मैं बचा फहद। मतलब दूसरा कोई नहीं है क्या मतलब? और फहद जो है वो शो कर रहे हैं, शो भी कर रहे हैं, जीते जा रहे हैं मतलब। तो इन्होंने तो आपको एक्शन फिल्म में ले लिया, मैं आपको बड़े एक सीरियस रोल में देखना चाहता हूँ। अरे भाईजान आज तो बस माइक ड्रॉप है भाई, तो इसी बात में उठ के हाथ मिला लूं। अरे भाई आज माइक ड्रॉप हो गया। मुझे लगता है आपसे आपसे अलग बात होगी, आप लोग प्रोड्यूसर्स हैं ना? जी सर। अब सर आलू आने वाला है। जी अच्छा। जी सर, मेरा भी एक सवाल है कि अगर आप फिल्म बनाए तो इनमें से किस एक्टर से छुप के फिल्म बनाएंगे? ऑप्शंस हैं मोहिब मिर्जा, इमरान अशरफ या उर्वा? इमरान अशरफ। सर आप मतलब छुप के क्यों बनाऊंगा मैं फिल्म? देखिए मतलब सवाल, उन्होंने जवाब दिया ना सर? नहीं, वो दे दिया उन्होंने। वो क्योंकि वो रैपिड फायर आपका ये है ना, तेज आग, मैं जरा इसको धीमी आंच में पकाना चाहता हूँ। हाँ भाई, वो फिल्म फिल्म बनाने को डेट बात होना चाहिए कि मैं छुप के क्यों फिल्म बनाऊंगा? क्या वो छुपी हुई फिल्म है क्या? मतलब वो कोई ऐसी फिल्म है जिससे किसी, और उसमें फिर आप वो नाम भी वो ले रहे हैं कि भाई मोहिब से छुप के बनाऊं, इमरान अशरफ से छुप के बनाऊं या उर्वा से छुप के बनाऊं। हाँ। छुप के बनाऊं क्यों? सर सही जवाब, तालियां। इनमें से कौन से दो एक्टर हैं जो आपकी फिल्म में हो तो फिल्म हिट हो जाए? हुमायूं, फवाद, फहद, मोहिब? आई थिंक इन सब में पोटेंशियल है फिल्म हिट कराने का। आई थिंक इट्स द फिल्म दैट वर्क्स।
बड़ा नहीं। शाम आप बताइए इनमें से दो एक्टर्स कौन से आप कॉम्बिनेशन में कास्ट करें कि वो सुपर हिट हो जाए, हुमायूं फवाद फहद मुहिब। हुमायूं के बगैर आप देखें कि आपकी जितनी भी फिल्में हिट हुई हैं माशाल्लाह वो सारी हुमायूं के साथ हुई। फहद ने सारी फिल्में हिट फिल्में दी हैं जी माशाल्लाह। फवाद एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। और मुहिब मिर्ज़ा जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि उनके बराबर आके खड़ा हो जाए। मैं किसी को भी इसमें से मैं मतलब माइनस कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब इतनी मेहनत के बाद अगर आप कहेंगे इसको माइनस कर दो, क्यों करूँ यार। और कॉम्बो में बनाऊँगा, हाँ कॉम्बो, हाँ कॉम्बो में बनाऊँगा फहद और मुहिब का और हुमायूं और फवाद का। चक्कर में भाई तेरा अच्छा चांस बनी है ना, बने जा रहे हैं। माँ की दुआ जन्नत की हवा। चले सर आप आए हैं थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। तो सर अगर एक स्क्रिप्ट में गुंजाइश ना हो लेकिन प्रोड्यूसर की फरमाइश हो कि एक अच्छा बरसाती बिजली कड़कता हुआ भड़कीला सा आइटम सॉन्ग आ जाए तो वो कैसे आएगा सर? वो वैसे भी आ सकता है। वो वैसे ही आएगा जैसे आता है। और अक्सर रिकॉर्ड भी नहीं होता है, हो जाता है। हो जाता है। मुबारक हो भाई, आइटम सॉन्ग तो पक्का हुआ फिल्म का। इनमें से बेहतरीन अदाकारा कौन है? महवेश हयात, मायरा खान, कुबरा खान, अमर खान। अच्छा जो बाकी की तीन है उनके साथ मैंने काम नहीं किया हुआ, तो आई विल से महवेश हयात। साहब इनमें से बेहतरीन अदाकारा कौन है? महवेश हयात, मायरा खान, कुबरा खान, अमर खान। हम ऐसे गेज नहीं कर सकते किसी। एग्जैक्टली जब मैं वहाँ एज अ गेस्ट बैठा हूँ तो मेरे लिए भी सबसे मुश्किल है ये अलग कैसे करूँ, कैसे अलग करूँ। मैं तो नौकरी पे हूँ। आपके पास क्या पैमाना है कि आप कहें कि ये ज़्यादा अच्छा है या वो? तो किरदार हैं, जो किरदार आपको मिलते हैं ज़िंदगी में करने के लिए, और उनमें कहीं मार्जिन होता है कहीं नहीं होता है। कहीं आप एक कहानी होती है जो सिंपल, उसमें इतना मार्जिन नहीं किसी एक्टर के पास। तो ये तो अभी तो सफ़र जारी है, और जब सफ़र जारी हो तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें गेज भी नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है किसी को नंबर्स देना कि इसके इतने नंबर हैं, इस काम में नंबर नहीं। इफ यू डोंट टेक इट टू सीरियसली। नहीं नहीं, मैं तो सीरियस लेने दे वरना फिर ये अलग से आप समझ रहे ना मेरी बात को। ऐतिशाम सर मैं आसान कर देता हूं। मेरे लिए आसान था ना, मैंने कहा मैंने तीन के साथ काम नहीं किया, बस एक्सप्लोर करना है। मैं तो फिर मैं दूसरी बात करूंगा ना, ले जाऊंगा उधर, इसको धीमी आंच पे पकाऊंगा मैं। ये जो आपका जो रैपिड फायर है इसको मैं धीमी आंच पे ले जाता हूं, वरना इसके छोटे छोटे अलग अलग पीसेज जो है ना वो मैं खुद देख रहा हूँ। मैंने क्या बोल दिया? हाँ लेकिन मैं चारों ही बहुत फैंटास्टिक एक्टर्स हैं ऐसे एंड ऐसे